गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंस्टा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज है 30 सितंबर, अभी बज रहे हैं सुबह के 11। घर का काम मैं सब निपटा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया है। राव्या भी सो गई है, सो इसलिए गई है क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे उठ जाती है जब मैं उठती हूँ। मेरे साथ ही वो उठ गई थी, तो उसके बाद वो खेली कूदी, अभी नहा धो के दूध पी के वो सो गई है। तो उसके लिए मैं जब बनाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि अब उसे भूख लग जाएगी जब वो उठेगी, तो उसके लिए मैंने दाल वगैरह तो भिगो दी है, बट अब बनाने जा रही हूँ मैं उसके लिए। जैसा कि आप सबको पता है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस बार हम व्रत नहीं ले पाए क्योंकि हमारी ताई जी हैं, जल बसी हैं, तो मतलब उनको हो गया है काफ़ी महीने, 6-7 महीने हो चुके हैं। तो अभी हमारे यहाँ नियम होता है कि हम साल भर तक, उनकी बरसी तक, हम कोई भी त्यौहार, कोई भी व्रत वगैरह नहीं रख सकते, सिवाय करो चौथ के, वो रख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी व्रत वगैरह, कोई भी धार्मिक स्थल में हम जा नहीं सकते, कोई भी मंदिर हो गए, हम अभी कहीं नहीं जा सकते। ये हमारे यहाँ नियम होता है। तो जब उनकी बरसी हो जाएगी, उसके बाद सब नियम खुल जाएंगे, तब सब फेस्टिवल वगैरह सब कुछ हम मना सकते हैं। पर मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को माता रानी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अच्छा जीवन प्रदान करे, सबको माता रानी खुश रखे। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, अभी बनाने जाते हैं राव्या के लिए खिचड़ी। तो चलिए बनाते हैं खिचड़ी। मैंने बनाने के लिए रख दी है, जब तक खिचड़ी बनती है तब तक मैं आज पहली बार जा रही हूँ घी बनाने के लिए। आज से पहले मैंने कभी घी नहीं बनाया। हम मलाई रखते हैं रोज़, तो बहुत सारी मलाई हो चुकी है इकट्ठा, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं घी, क्योंकि मम्मी जी और दिन मम्मी जी बनाते थे, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से, मतलब अब तो ठीक है। उनसे पूछ के ही करूँगी क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस है, मैं तो पहली बार बना रही हूँ। देखा बहुत है मैंने, अपनी मम्मी को भी देखा है बनाते हैं, बट कभी ट्राई नहीं किया। तो ट्राई करते हैं, मम्मी जी से पूछते हैं कि क्या 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 करना होता है। तो पहले मैं मलाई बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों, तो मतलब काफ़ी, एक दो हफ्ते से हमने फ्रिज में मलाई जमा रहे, तो उसको बाहर रख देते। तो ये है मलाई, देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका हम बनाने जा रहे हैं घी, इसको थोड़ी देर यहाँ पर रख देती हूँ, मम्मी से पूछ के आती हूँ। तो मैं पूछ के आ गई हूँ, अब मैं ये मलाई इसमें डाल रही हूँ। तीनों से रखी है ना, तो देखो कैसे पत्थर जैसा हो गया ये। तो ये निकाल दिया है मैंने मलाई इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी भी डाला है, 2-3 गिलास। अब इसे करते हैं, तो इसकी हेल्प से मैं इसे करूँगी, और जब भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं हाथ से करूँगी, जो ये होता है ना कोल्ड टेक्निक, ये फिर मैं इससे करूँगी। तो पहले इससे करते हैं थोड़ा बहुत सॉफ्ट, उसके बाद इससे करेंगे, तो उसके बाद उससे करेंगे। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा हो गया है, टेक्सचर आ रहा है इसका अच्छा। अब क्रीमी से देखिए कैसा हो गया है, मक्खन अलग छट रहा है और हल्का पानी पानी अलग हो रहा है, यही चाहिए हमें। मम्मी जी कर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा, मैंने किया तो हाथ थक गया, मम्मी कर रहे हैं। अब ये रेडी हो चुका है, मक्खन अलग हो चुका है, ये देखो मोटा मोटा। अब इसे निकाल के मम्मी कढ़ाई में रखेंगी, अब बाकी उसी में रहने देंगे पानी पानी जो रहता है। तो ये हो गया मम्मी जी, बन गया? हो गया। अच्छा, फिर अब इसे क्या करेंगे? अब इसका मक्खन निकालेंगे, मक्खन निकाल के गला देंगे जैसे गला। और जो ये बाकी बचेगा इसका क्या करते हैं? इसका यहाँ क्या करेंगे, बहुत दिन का हो जाएगा। अच्छा, पर जैसे गांव वगैरह में बनता है वो तो छाछ छाछ के तरह लोग यूज़ करते हैं ना। एक दो दिन का होता है वो, अच्छी वाली छाछ होती है और खाने लायक होती है। ये तो हमारे बहुत दिन का होता है, ये तो कड़वा कड़वा सा, इसलिए खाने के लायक नहीं होती। मम्मी जी आप बताओ कि ना ये कैसे बनाते हैं घी, शुरू से बताओ कि क्या करना पड़ता है, जैसे कई लोगों को पता नहीं है ना। जो दूध गर्म करते हैं उसमें मलाई जो हो जाती है, हम लोग ये हम लाते हैं फुल क्रीम, फुल क्रीम में मलाई ज़्यादा नहीं पड़ती, उसको खाना बेकार होता है मलाई, इसलिए हम इसको एक बर्तन में इकट्ठा कर देते हैं। फिर 15 या 16 दिन में उसको निकाल देते हैं मक्खन।
अच्छा, जैसे ये निकाला हमने, अच्छा तो ये मक्खन निकालने के लिए क्या डाला, पहले गर्म पानी डाला है ना थोड़ा सा? थोड़ा गर्म पानी डालो, गर्मियों में अपना वैसे होता। अच्छा अच्छा, सर्दियों में थोड़ा वैसे होता ना, इसमें थोड़ा गर्म पानी डालो तब निकल जाता फटाफट। तो ये मक्खन हमने कढ़ाई में निकाल के और ये गैस पे रख दिया है, और ये देखो ये मेल्ट भी होना शुरू कर दिया है इसने, ये देखो। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और ये पूरा मेल्ट होके घी बन जाएगा, तो आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है बीच बीच में आके। घी हो चुका है रेडी और पूरी तरीके से बन चुका है, अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बना है घी, ज़्यादा नहीं बना है, थोड़ा ही बना है, और ये बचा हुआ घी से जो मतलब बनता है अलग होता है, ये हम इसे गढ़वा लिए मयूड़ो बोलते हैं, मतलब मुझे तो यही पता है मेरी मम्मी, और इसको हम रोटी के साथ भी खाते थे, बहुत टेस्टी होता है ये। रामू भी सो के उठ चुकी है, रामू हाय बोल दो। हाय। आपकी नींद पूरी हो गई, अब रामू क्या खाएगी? खिचड़ी। ये पार्सल आया है हमारा अमेज़ॉन से, हमने मंगाया था माइक्रोवेव का स्टैंड। रावे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आलू का चालू सुना दो जरा। हाँ सुना दो आलू का चालू, आलू का चालू सुना दो राव्या। कहाँ गए थे बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मीने प्यार किया हंस रहे थे, प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। अभी बज रहा है शाम के 4:30 और मैं बना रही हूँ चाय मम्मी जी और अमित के लिए। मैं तो पूछ रही हूँ, हमारे इधर ना नवरात्रि का मेला लग रहा है, मतलब नवरात्रि का पंडाल भी है जहाँ पूजा वगैरह हो रही है, माता की मूर्ति वगैरह रखी है और मेला भी लगा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी चलते हैं, मैं थोड़ी देर में चलेंगे, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, सुमित भी आ जाएंगे उसके बाद जाएंगे। चाय बन गई है, मम्मी पापा को देते हैं चाय, पापा भी आ गए ड्यूटी से। मैं तो चाय लेके आ रही थी आपके लिए नीचे ही, आप कब आए? पहले मैं सोच रही थी कि काम करके जाती हूँ अपना, आधा निपटा के जाती हूँ, रात के डिनर की तैयारी आधी करके चली जाती हूँ, तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, अभी आटा गूंद के रख दूँगी, फिर आके सब्जी बनाऊँगी। सब्जी तो ईजी है बनाना, उस टाइम भी बना दूँगी, कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, तो वो मैं उसी टाइम बनाऊँगी, इसलिए आटा गूंद कर देती हूँ। सुमित भी आ गया ऑफिस से, ये अपना टिफ़िन निकाल रहे हैं, और राव्या देखो हंस रही अपने पापा को देख के, ये बहुत खुश होगी उसके पापा आ गए, तो मेला लेके जाएंगे। ये है माता का पंडाल, कितना बड़ा पंडाल बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी डेकोरेशन है बहुत, कितनी भीड़ भी आ रखी है, बच्चों में भी उत्साह है देखने का माता का दरबार। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी दुकानें भी हैं, कुछ में अभी मतलब बन लगी नहीं है, कुछ लगी हुई हैं, चाउमीन वगैरह टिक्की वगैरह, बच्चों के खिलौने हो गए, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, अभी तो झूले भी लगे होंगे शायद पीछे, तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पंडाल। तो लीजिए माता के दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर माताओं की 9 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, 9 रूप होते हैं जो माता के, और सारी मूर्तियों के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है क्योंकि माता का चेहरा नहीं दिखाएंगे सप्तमी तक, और कितनी सारी लेडीज़ आई हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, अब पंडित आरती करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ छठ पूजा होती है, ये चारों तरफ से बंद करा हुआ है, यहाँ पर छठ पूजा के टाइम पर होती है पूजा, पानी भरा जाता है यहाँ पे, और देखिए कितनी सारी दुकानें हैं, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, देखो कितना अच्छा कर रखा है इन्होंने, पहले यहाँ पे खाली था, जैसे मैंने आपको दूसरा दिखाया वैसी था, बट इन्होंने यहाँ पे फाउंटेन लगा दिए हैं।
अब हम चले घर की ओर। रात के 8:30 और मैं मेला वगैरह देख के आ गई थी, माता के दर्शन करके आ गई थी। अभी वो आया था, पार्सल आया था, उसको खोल के देखते हैं। सुमित को बोलते हैं कि उसने, शायद सुमित ने खोल दिया और पता नहीं है। सुमित, और ये है पार्सल। तो सुमित इसे खोलो। अरे ये खुला हुआ ही था क्या? ये तुमने खोला है? वाह, ओहो, ये माइक्रोवेव के लिए स्टैंड लिया था हमने, बट ये इधर डैमेज है तो इसे रिटर्न करवा दो, वापस पैक कर दो। ठीक है, बढ़िया किया तुमने। तो ये अब रिटर्न हो जाएगा, दूसरा आएगा, है ना? क्या करें, जब डैमेज है तो वापस करना ही पड़ेगा, वरना क्या करना है ऐसे रख के इसको। मैंने बनाया है कटहल की सब्जी, मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही है मेरी कटहल की सब्जी। यह है कटहल की सब्जी, कुछ ऐसी बनाई है मैंने। हम सभी को कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लेके आए थे थोड़ा सा। अब तो वैसे भी नहीं मिलेगा, सर्दी आ रही है, मतलब बहुत कम मिलता है। सुमित, कैसी लग रही है कटहल की सब्ज़ी? अभी बज रहे हैं 10:30 और हम अपने रूम में आ गए हैं। राव्या सो चुकी है और हम देख रहे हैं मूवी नेटफ्लिक्स में, काला कुई करके कोई मूवी है, और देख रहे हैं अभी हॉरर मूवी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।